हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, 22 फरवरी 2021 को LIC ने एक नया प्लान लॉन्च किया था जो है बीमा ज्योति टेबल नंबर 860। इस प्लान के बाद एक कंफ्यूजन हो रहा था कि LIC का कौन सा प्लान लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको LIC के तीन प्लान जीवन लाभ टेबल नंबर 936, जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933, बीमा ज्योति टेबल नंबर 860 के बारे में बताएंगे और तीनों प्लान के बीच में कंपैरिजन करके बताएंगे, वो भी पूरे एग्जांपल के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन लाभ, बीमा ज्योति और जीवन लक्ष्य यानी कन्यादान योजना के बारे में मैंने पहले ही यूट्यूब में वीडियो बनाए हुए हैं और जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में आज हम केवल चर्चा करेंगे तीनों के बीच का कंपैरिजन, तीनों के बीच में क्या अंतर है। एक व्यक्ति है जिसके लिए हमने जीवन लाभ प्लान लिया है और उनकी उम्र है 20 साल, सम अश्योर 10 लाख का लिया है, पॉलिसी टर्म 21 साल है, 21 साल का प्लान है, PPT 15 साल है यानी 15 साल तक पैसा जमा करना है। जीवन लाभ की टर्म 16 साल, 21 साल, 25 साल के होते हैं, पर समझने में आसानी के लिए हमने इसमें टर्म 21 साल का लिया है। इस प्लान में क्लाइंट को सालाना जमा करने होंगे 54,246 यानी 54,246 रुपीज़ पर ईयर जमा करने होंगे 15 साल तक, और 6 साल का प्रीमियम हॉलीडे होता है, मतलब 6 साल कोई पैसा नहीं देना होगा। 21 साल बाद क्लाइंट को मैच्योरिटी लगभग 20,24,000 रुपीज़ मिलेगी, जबकि 15 साल में जो टोटल पैसा जमा किया है वो है 7,97,338 रुपीज़। अब इस व्यक्ति के लिए बीमा ज्योति प्लान लेते हैं जिसमें उनकी उम्र 20 साल है, टर्म 20 साल का है, PPT 15 साल है यानी 15 साल तक पैसे जमा करने हैं, सम इंश्योर 10 लाख रुपीज़ है। इस प्लान की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें 1,000 रुपीज़ सम इंश्योर्ड पर हर साल 50 रुपीज़ गारंटेड एडिशन जरूर मिलता है। जैसे कि यहाँ सम इंश्योर 10 लाख लिया है तो हर साल 50,000 का गारंटेड एडिशन होगा, मतलब 20 साल के प्लान में 10 लाख और ऐड हो जाएंगे, तो 20 साल बाद जो मैच्योरिटी होती है वो होगी 20 लाख रुपीज़। इस प्लान में क्लाइंट को पर ईयर 80,625 रुपीज़ जमा करने होंगे। ये प्रीमियम केवल 15 साल तक ही जमा करना होता है और 5 साल प्रीमियम हॉलीडे होता है और 20 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलती है 20 लाख रुपीज़। अब इस व्यक्ति के लिए जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 में कैलकुलेट करते हैं तो उनकी एज 20 साल है, टर्म 20 ईयर है और इस प्लान में भी टर्म 13 साल से लेकर 25 साल तक आप चूज कर सकते हैं, पर तीनों के बीच का अंतर समझने के लिए हमने टर्म 20 साल का लिया है। 20 साल का टर्म में PPT 17 साल की है, मतलब आपको 17 साल तक ही पैसे जमा करने हैं और 3 साल का प्रीमियम हॉलीडे होता है। इस प्लान में क्लाइंट को पर ईयर 55,775 रुपीज़ 17 साल तक जमा करना है और 20 साल बाद उनको मैच्योरिटी मिलेगी 19,10,000 रुपीज़। इस प्लान का सबसे अच्छा फीचर, जो बड़ा फीचर है, वो ये है कि कैजुअलिटी होने पर सम एश्योर्ड का 10% हर साल फैमिली को मिलता है। यहाँ पे 10 लाख सम एश्योर्ड लिया गया है तो हर साल फैमिली को 1 लाख रुपीज़ मिलेगा और साथ में 20 साल बाद मैच्योरिटी भी मिलती है। तीनों प्लान में केवल बीमा ज्योति गारंटीड एडिशन वाला प्लान है, बाकी दोनों प्लान में बोनस साल के एंड में डिक्लेयर होता है। रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो जीवन लाभ दोनों से बेहतर रिटर्न दे रहा है। अगर परिवार की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो जीवन लक्ष्य ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कैजुअलिटी के केस में मैच्योरिटी के साथ साथ परिवार को पॉलिसी टर्म के हर साल के खर्चे के लिए
फिक्स अमाउंट भी मिल रहा है, पर गारंटी रिटर्न में बीमा ज्योति इन दोनों से बेहतर लगती है। आप इस पॉलिसी पर 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं या इसे सरेंडर भी करा सकते हैं। सरेंडर का मतलब होता है कि आप पॉलिसी को बंद करा रहे हैं। वैसे सरेंडर में ग्राहक का हमेशा नुकसान होता है, तो हम तो ये कहते हैं कि आप सरेंडर कभी मत कराइएगा। फ्रेंड्स, इस प्लान में आपको 2 बार टैक्स में छूट मिलती है। पहले प्रीमियम अमाउंट में आपको सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलता है और मैच्योरिटी में आपको सेक्शन 10D के तहत रिबेट मिलता है। ज़्यादातर सेविंग में मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होती है। मैच्योरिटी अमाउंट लाखों में होता है, जिसे टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी में आप बहुत बचत कर सकते हैं। LIC की ये पॉलिसी अगर कभी लैप्स हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर फिर से चला सकते हैं। फिर से ये पॉलिसी को चलाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट और पुराने कुछ किस्त में प्लस एडिशन अमाउंट जुड़ आपको जोड़ के देना पड़ता है और आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है। मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आपका प्रीमियम डेट के बाद भी आपको 15 दिन और मिलेंगे, जिसमें आप अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं और आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली में आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो होता है 1 मंथ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।